व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गोल्डन एरा एजुकेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सीआई और एसआई, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। दोस्तों, ये टॉपिक सभी गवर्नमेंट से एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब मानो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये रहा दोस्तों। यदि किसी राशि का चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो ये कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे करते हैं दोस्तों, 3 वर्ष में कितना हो रहा है दोस्तों, 3 वर्ष में हो रहा है दोस्तों 3 गुना। 3 गुना का मतलब 3 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, 3 की पावर 1 लिख देंगे इसको। तो फिर कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा दोस्तों, तो कितने वर्ष में, मतलब कि एक्स वर्ष में कितना हो जाएगा ये 9 गुना। तो दोस्तों 9 गुना को कितने कितना लिख सकते हैं अपन, 3 की पावर 2। अब दोस्तों तीन तीन ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हम इन दोनों का बेस समान करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तब तो क्या करना है दोस्तों, ये इस 3 वर्ष को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पावर से 2 से, और एक्स वर्ष को मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाली पावर से, ठीक है दोस्तों, 1 से। तो यहाँ से कैसे होगा दोस्तों, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इनको रख देंगे बराबर में, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6, तो ये 6 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, बी, 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। किसी राशि का 2.5 वर्ष के अंत में उस राशि का 4/5 है वार्षिक ब्याज की दर है। किसी राशि का ब्याज 2.5 वर्ष के अंत में उस राशि का 4/5 है। ठीक है दोस्तों, तो ब्याज कितना हो रहा है दोस्तों, ब्याज हो रहा है दोस्तों राशि का 4/5। ठीक है दोस्तों, तो राशि कौन सी हो गई दोस्तों, 5, और ब्याज कौन सा हो गया दोस्तों, 4। ठीक है, अब ब्याज 4 हो गया, राशि 5 हो गई। ठीक है, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है दोस्तों, ब्याज बराबर, तो ब्याज कितना हुआ 4, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना हुआ दोस्तों राशि 5, मूलधन गुणा समय, समय कितना हुआ दोस्तों 2.5 वर्ष, 2, तो 2.5 वर्ष को कैसे लिखेंगे दोस्तों, 2.5 लिख देंगे दोस्तों इसको, 2.5। ठीक है दोस्तों, 2.5, और यहाँ पे दर यहाँ पे आ जाएगी दर 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 25 से 100 को काटा कितनी बार दोस्तों, 4 बार, लेकिन यहाँ पे पॉइंट रह जाएगा, तो पॉइंट की जगह नीचे आ जाएगी 1 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 5 से इसको कितनी बार काटा दोस्तों, 2 बार। अब 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को, तो और 4 को इधर ले गए तो दोस्तों कितने गए, 4, यहाँ कैसे हुआ दोस्तों, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि दोस्तों इस चार को और इस 2 को अपन इधर ले गए वज्रगुणन करके, तो यहाँ से कितना आया दोस्तों, ये आया अपना 32। तो अपनी दर कितनी हो गई 32%, कौन से ऑप्शन में, डी में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राशि का 6 वर्षों के लिए और 9 वर्षों के लिए समान वार्षिक ब्याज की दर पर उचित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों साधारण ब्याज में 100 पे निकलते, अगर अपन 100 पे माने, अगर मूलधन अपन 100 माने, तो उसके ऊपर साधारण ब्याज कैसे निकलता है, एस इक्वल टू आर टी से। ठीक है दोस्तों, आर टी मतलब कि दर इंटू समय, यही ब्याज हो जाएगा 100 रुपये पर। तो वैसे ही अपने पास 2 वर्षों की दो समय है, 6 वर्ष और 9 वर्ष, तो दो ब्याज निकलेंगे अपने S1 और S2। ठीक है, और उनका रेशियो लेना है,
तो अब इस फॉर्मूले से रख दो दोस्तों। अब दर तो दोनों में समान है दोस्तों, तो दर तो कॉमन आ जाएगी, तो कॉमन क्या इसको साथ में भी लिख सकते हैं, आर मल्टीप्लाई छः रेशियो, इधर भी आर ही आएगा दोस्तों, आर मल्टीप्लाई नौ, तो ये आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा, तीन से छः दो बार गया और तीन से नौ तीन बार गया, तो अपना क्या रेशियो हो गया, 2:3, तो कौन से ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री दीपक ने 6 वर्ष के लिए 21,250 रुपये की राशि का निवेश किया, साधारण ब्याज की दर से उसे 6 वर्ष के अंत में 26,350 रुपये की कुल राशि प्राप्त होगी। तो अब इसमें अपन को क्या निकालना है दोस्तों, दर निकालनी है, साधारण ब्याज की दर। ठीक है दोस्तों, अब कैसे निकालेंगे साधारण ब्याज की दर, अब ये तो मिश्रधन दे रखा है, 26,350 तो मिश्रधन हो गया दोस्तों, और ये ऊपर की 21,250 क्या है दोस्तों, मूलधन। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, ब्याज कैसे निकलेगा, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। ब्याज कितना आएगा दोस्तों अपने पास, 26,350 में से 21,250 को माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आया दोस्तों, अपने पास आया 5,100 रुपये। ठीक है दोस्तों, 5,100 रुपये, अभी 5,100 रुपये ब्याज आ गए दोस्तों। ठीक है, तो अब दोस्तों अपन को क्या निकालना है, साधारण ब्याज की दर निकालनी है। अब ब्याज भी है अपने पास, मूलधन भी है और समय भी है, तो दर निकल जाएगी साधारण ब्याज की दर, तो ब्याज ही है, ये है 5,100 इक्वल टू मूलधन क्या है दोस्तों, 21,250 मल्टीप्लाई समय कितना है दोस्तों, 6 वर्ष, और दर को आगे रख देंगे बटे 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 10 तो ये गई और इस 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 51,000। अब 51,000 में दोस्तों 2125 का भाग देंगे, मतलब 2125 का इसको काटेंगे तो ये जाएगा दोस्तों अपने कितने बार, ये जाएगा 4 बार, इसको 6 से भी मल्टीप्लाई करके दोस्तों, 6 से ये 6, इसको 6 से भी मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे तो ये अपना आएगा दर कितना आएगा, 4%। ठीक है दोस्तों, अब 4% कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, बस ये आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, 4%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा दोस्तों, किसी राशि का 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 240 रुपये और इसी राशि का 2 वर्षों के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये, तो वार्षिक ब्याज की दर है। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, 3 वर्षों का साधारण ब्याज दे रखा है दोस्तों, कितना है 240 रुपये। ठीक है, 1 वर्ष का कितना होगा, ये होगा 80 रुपये, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो फिर 2 वर्ष का कितना होगा दोस्तों, जब 1 वर्ष का 80 हो गए तो 2 वर्ष का 200 मल्टीप्लाई कर देंगे, 160 रुपये। ये क्या हो गया दोस्तों, ऐसा ही हो रहा है दोस्तों, ये ऐसा ही है, 3 वर्ष का वो कितना है 240 रुपये, तो 1 वर्ष का ऐसा ही कितना आया 80 रुपये, तो 2 वर्ष का ऐसा ही कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 रुपये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अपने पास यहाँ पे CI दे रखा है दोस्तों, पहले ही 2 साल का CI कितना दे रखा है, 170 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो CI कितना है, 170 रुपये 2 साल का। तो अब दोस्तों अपन को निकालनी है ब्याज की, वार्षिक ब्याज की दर। तो दोस्तों अभी ये कैसे निकलती है, ये निकलती है दोनों का रेशियो लेके, CI बटे SI बराबर होता है 200 प्लस R बटे 200, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों एक, तो इस पे इसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, 170 बटे CI पोन SI, ये वाली चीज़, 170 बटे 160 इक्वल टू 200 प्लस R बटे 200। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से 10 से तो 10 गई, ठीक है, और ये 17 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आया कितना, 3400। यहाँ से 200 को अपन 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3400 आएगा 200, और यहाँ से 16 को इधर 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 इधर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3200 प्लस
16 को आर से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आर। अभी 3200 को इधर भेजेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आएगा 200 बराबर कितना आएगा 16 आर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों 16 से डिवाइड करेंगे अपन इसको 200 को, तो दोस्तों इधर कितना आएगा देखो, ये 200 डिवाइड होगा 16 से, तो ये आएगा अपना दोस्तों 12 से ही 1/2%। तो ये अपने कौन से ऑप्शन में आए, सी ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है दोस्तों, विभिन्न स्रोतों द्वारा 3 वर्षों के लिए 1500 रुपये पर दिए गए साधारण ब्याज का अंतर 13.50 है, उनके ब्याज की दरों का अंतर क्या होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है दोस्तों, ये अंतर दे रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो दोस्तों, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज इक्वल टू, अब ब्याज यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 13.50, तो यहाँ ब्याज की जगह रख देंगे इसको, ब्याज का अंतर है ये। ठीक है दोस्तों, बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 1500 रुपये, मल्टीप्लाई दर, तो दरों का अंतर तो निकालना है दोस्तों, और 3 वर्ष समय है, और दर, दरों का अंतर दर लिख देंगे वहाँ पे, 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 20 से 20 गई, और 15 3 45, 13.50 बराबर 45 × दर। अब यहाँ से 45 से 13.50 को डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये जाएगा अपना कितनी बार, 0.3 बार, तो ये 0.3% दर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा 6400 की RS 6400 की राशि पर 7% वार्षिक की दर से 4 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या है, ब्याज बराबर ब्याज। ठीक है दोस्तों, ब्याज बराबर कितना होता है, ये मूलधन 6420 गुणा 7% वार्षिक दर है, 7 दर गुणा समय 4 वर्ष / 100। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करेंगे, 10 से तो 10 गई, ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो अपना आएगा, ये आएगा अपना 17976। अब इसमें भाग दे देंगे अपन कितने का, 10 का, तो अब ये पॉइंट में आ जाएगा। अब ये पॉइंट में यहाँ से कितना आया दोस्तों, पॉइंट में ये आया 17976, ये अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आई होप आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।